आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और निकाय चुनाव जो कि 24 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है, और निश्चित रूप से कहा भी जाना चाहिए कि अगर केंद्रीय हम कुर्सी की बात करें तो कहीं ना कहीं उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से निकल कर ही जाता है। और ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसे आंकड़े बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोकसभा सीट, और जब कोई पार्टी 65 से ज़्यादा लोकसभा सीट जीतती है तो निश्चित रूप से उसका जो परचम होता है वो उस कुर्सी के लिए मजबूत हो जाता है। मैरपुर चुनाव है और निकाय चुनाव भी मैरपुर है, क्योंकि गली कॉलोनी निकाय पंचायत का चुनाव होता है, और ये वही मतदाता है जो आपके आम चुनाव में भी मतदान करते हैं। तो इनकी रुचि या इनका मताधिकार किस पार्टी के समर्थन में जा रहा है वो भी अहम बात होती है। फिलहाल निकाय चुनाव जो कि 24 के पहले का सेमीफाइनल है उसको लेकर सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, और इन तैयारियों के बीच कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनके लिए विपक्ष कहता है कि हमेशा चुनावी मोड में रहती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, और इस चुनावी मोड के तहत यहाँ पर एक प्रयास और शुरू हो रहा है, सबका साथ सबके विकास की भावना को अब और विस्तृत रूप देने का। रूप कैसे देने का? अभी हाल में आपने देखा जिस तरह से पसमांदा समाज का सम्मेलन आयोजित किया गया। पसमांदा समाज यानी मुस्लिम का दलित समुदाय, कभी माना जाता रहा है, अभी भी कहते हैं कि ये समाजवादी पार्टी का और पहले कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है। सरकारें बनाई हैं और बिगाड़ी भी हैं, महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तमाम चीज़ें निकल के सामने आई, और मंथन ये भी हुआ कि इस मंथन के बीच जानकारी ये आई कि लगभग प्रदेश में 60 निकाय ऐसे हैं जो कि मुस्लिम बहुल सीटों से हैं, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका आज तक नहीं लहरा पाई है, और 1000 से ज़्यादा निकाय वार्ड ऐसे हैं जहाँ तक बीजेपी आज तक नहीं जीत पाई है। कारण मुस्लिम बहुल आबादी। ज़्यादातर बीजेपी अपनी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से ये कह नज़र आ रही है कि मुस्लिम वर्ग भी उनको लगातार साथ दे रहा है, उनको वोट दे रहा है, और उत्तर प्रदेश में जो मिथक तोड़कर दोबारा सत्ता में बीजेपी आसीन हुई है वो बात स्पष्ट करती है कि निश्चित रूप से मुस्लिम वर्ग भी लगातार भारतीय जनता पार्टी का अब कुछ हद तक सपोर्ट करने लगा है। और बीजेपी भी इस बार कुछ अलग समीकरण के साथ इस निकाय चुनाव यानी सेमीफाइनल में उतरने की तैयारी में लगी है। और जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा कुंवर बासित अली का बयान भी रहा, उन्होंने कहा कि इस बार जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहाँ पर हम साफ सुथरी छवि के पसमांदा समाज के मुस्लिम वर्ग के लोगों को वहाँ पर तरजीह देंगे, और एक अलग व्यवस्था जो सबका साथ सबके साथ विकास की जो भावना है उसको हम बेहतर करते नजर आएंगे, और लोग समझेंगे कि हाँ मुस्लिम वर्ग भी आज भाजपा की तरफ जा रहा है, और यही पटकथा आगे भी चलेगी 24 को। कुछ बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कि आज पसमांदा मुस्लिम भाइयों के प्रतिनिधि सम्मेलन के इस कार्यक्रम में मैं आया। इस कार्यक्रम के लिए जो स्थान निर्धारित किया गया वो छोटा पड़ गया। उत्साह जबरदस्त है। सपा बसपा कांग्रेस जो पसमांदा मुस्लिमों को बरगला करके छद्म धर्मनिरपेक्षता की आड़ में केवल वोट लेकर के और उनको भूल जाने का काम करती थी, पाप करती थी, अब उनके पाप की सजा देने की आज से या पसमांदा जो विशेष तौर से पिछड़ा वर्ग का मुस्लिम है हमारा, वह इनको अब सबक सिखाने का काम करेगा। और भारतीय जनता पार्टी, मैंने आह्वान भी किया है कि दूध में चीनी डालती है जिससे दूध की मिठास बढ़ जाए, और ये विपक्ष में जो है वो दूध में नींबू डालते हैं जिससे आपस में दूरी बढ़ जाए, तो हम दूरी नहीं बढ़ाएंगे, हम गले लगाएंगे। जिस तरीके से लगातार हम मुसलमानों को और खास तौर पे हम पसमांदा समाज के लोगों को हमेशा विपक्षी दलों ने, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, हमेशा उन्होंने हमें छला है, हमें केवल एक वोट बैंक समझा, चुनाव में हमसे भोली भाली बातें की, हमें बहलाया फुसलाया और हमारा वोट लेके वो सत्ता में तो आ गए दोस्तों, लेकिन कभी भी पसमांदा समाज के लिए और मुस्लिम समाज के लिए कोई ठोस
अच्छे से अच्छी स्कॉलरशिप स्कीम से हम लाभ लेते हुए आईएएस आईपीएस भी बन रहे हैं, और जिस तरीके से मोदी जी ने हमको सशक्त करके देश में आगे बढ़ाने का काम किया है, आज मुस्लिम समाज भी अपने देश को विश्व गुरु बनाने के लिए भारत के एक एक जन के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है। दोस्तों, आज भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी है। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ, सबके प्रयास से आज अल्पसंख्यक समाज के अंदर लगभग 4.5 करोड़ के आसपास लाभार्थी अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, जो मोदी जी और योगी जी की विकास की नीतियों के कारण पैदा हुए हैं। आज 30% के आसपास नगर पंचायतों के अध्यक्ष अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। बड़ी तादाद के अंदर नगर के पार्षद और महानगरों के पार्षद भी अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे में सबके बीच पहुंचना चाहती है, सबके बीच अपना सिंबल पहुंचाना चाहती है, और आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक समाज के अंदर पैंट बना चुकी, सबके बीच पहुंच चुकी है और सबके साथ चुनाव जीतना जानती है। लगभग 5.5 करोड़ के आसपास अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर स्कॉलरशिप देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हज का कोटा बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ऐसे में जब बात राशन की आती है तो लगभग 3 करोड़ के आसपास अल्पसंख्यक समुदाय को राशन देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बड़ी तादाद के अंदर उज्ज्वला की स्कीम दी है। तो जब भारतीय जनता पार्टी का सिंबल अल्पसंख्यक समुदाय के बीच पहुंचेगा, तो उस पर मोहर लगाने का और विकास की नीति पर मोहर लगाने का काम भी अल्पसंख्यक समाज करेगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट मंशा है कि हम सबके बीच और सबके बीच जाकर के अपने कैंडिडेट उतारेंगे। कोई वार्ड, कोई बूथ, कोई हमारा नगर पंचायत, कोई नगर पालिका नहीं रहने वाली है जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ना हो। ऐसे यहां पर जो बातें हुई हैं, बयान आए हैं, और बयान ये बात स्पष्ट करती है कि बीजेपी इस निकाय चुनाव को कहीं भी हल्के में नहीं ले रही है। बीजेपी जो सबका साथ सबके विकास की बात करती है, वो बीजेपी जो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, वो बीजेपी जो लगातार विकास की बात करती है, वो बीजेपी जो ये बताने जा रही है कि हमारे लिए सभी वर्ग महत्वपूर्ण हैं, चाहे मुस्लिम वर्ग हो चाहे हिंदू वर्ग हो। जाए तरफ विपक्ष बीजेपी पर 80-20 की राजनीति का आरोप लगाता है, तो भाई बीजेपी का कहना होता है कि हमारी योजनाएँ ये स्पष्ट करती है कि हमारे जो आरोप हम पर लगाए जाते हैं उन आरोपों का कोई आधार नहीं है, उन आरोपों का कोई आधार नहीं है, उन आरोपों के आधार के चलते हम पर कोई भी दाव विपक्ष का चल नहीं पाएगा। हम जो करते रहते हैं वो विकास की गति है, हमने जो बनाया है वो बेहतर किया है, हमने जो परिकल्पनाएँ बनाई उस पर काम किया है, हमने जो वादे किए वो निभाए हैं। और अगर मुस्लिम वर्ग का पसमांदा समुदाय अगर परेशान है, कमज़ोर है, तो उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, उसके लिए भी हम यहाँ पर काम करेंगे। और जिस तरह से यहाँ पर उन सीटों पर, मुस्लिम बहुल सीटों पर अब एक अलग पटकथा रचने की तैयारी की जा रही है, रणनीति बनाने की तैयारी की जा रही है, जो कि वहाँ के बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने बयान दिए, उन्होंने बताया कि हम तैयारी कर रहे हैं, और निश्चित रूप से 60 निकाय चुनाव में और 60 निकाय सीटों पर खास अध्यक्ष पद वाली और 1,000 से ज़्यादा वार्ड वहाँ पर तब्दीली होगी। तब्दीली किस स्तर तक होगी महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है, क्योंकि अगर चर्चा के विषय की हम चर्चा नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट रूप से साफ नहीं हो पाएगी कि परिणाम क्या आने वाले हैं, क्योंकि निकाय चुनाव महत्वपूर्ण है, 24 का चुनाव है, और 24 के चुनाव को देखते हुए जहाँ सारी पार्टियाँ अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं, अपने अपना एजेंडा सेट कर रही हैं, तो वहीं बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक किस किस विरोधी दलों को यहाँ पर नुकसान देने वाला है ये तो विरोधी दल ही जानते होंगे या जानती होगी खुद बीजेपी, क्योंकि यहाँ पर जो मुस्लिम वोट बैंक है, कहा जाता रहा है हमेशा से पहले कांग्रेस, अगर हम केंद्र की बात करें, आम चुनाव की बात करें, और अगर हम बात करते हैं प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो अब ये वोट बैंक परंपरागत रूप से माना जाता है समाजवादी पार्टी का। 111 सीट है विपक्ष की भूमिका 2022 का चुनाव यही बताती है कि समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समुदाय का खासा समर्थन प्राप्त है, और उसी का जो एक परिणाम है 2022 में देखने को मिला।
हालांकि अन्य वर्ग का अगर परिणाम देखने को मिलता या उनका समर्थन देखने को मिलता तो शायद यहाँ समाजवादी पार्टी विपक्ष की नहीं सरकार की भूमिका में होती और बीजेपी सत्ती सारा पुराना मिथक को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाती। फिलहाल राजनीति है और राजनीति में यहाँ पर सभी वर्गों को एक साथ लेने की बात सभी पार्टियाँ करती हैं। कौन सी पार्टी किस वर्ग को कितना अहमियत देती है, कौन सी पार्टी किस वर्ग का अपना आधार मानती है और कौन सी पार्टी किस वर्ग के लिए कितना काम करती है, ये वर्ग जानता है या फिर जानती है वो पार्टी, महत्वपूर्ण विषय है। और इस विषय पर चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि निकाय चुनाव सेमीफाइनल है और सभी दल तैयारी कर रहे हैं। कोई दल ऐसा नहीं है जो अपनी पुख्ता तैयारी के साथ इन निकाय चुनाव में नहीं उतरेगा, कोई दल ऐसा नहीं है जो एजेंडे के साथ नहीं जाएगा। चाहे हम बात बीजेपी करें जो कि सत्ता में है, चाहे विपक्ष की करें, समाजवादी पार्टी करें, रालोट की बात करें, सुभाषपा की बात करें या फिर सनसनी की तरह आई आम आदमी पार्टी की बात करें जो दिल्ली में तीसरी बार सरकार बना चुकी है और पंजाब में भी उसने वही कारनामा करके दिखाया है जो दिल्ली में दिखाया था और फिलहाल अब उनकी तैयारी गुजरात को लेकर चल रही है। पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आम आदमी पार्टी को वो चमत्कार और वो परिणाम अभी तक नहीं मिल पाए हैं जिसकी वो उम्मीद करती है क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग है और यहाँ पर मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी और मुफ्त तमाम तरह की सुविधाओं को उत्तर प्रदेश की जनता ने सिरे से नकार दिया और परिणाम यही बताते हैं कि आम आदमी पार्टी को अभी भी बहुत मेहनत करनी होगी। फिलहाल महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है, मेहमान कुछ समय हम लोगों से रूबरू होने वाले हैं और जल्द ही आपको उनसे रूबरू कराएंगे। तो यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा है कि इसको हालांकि जब पसमांदा सम्मेलन हुआ था तब भी ये कहा जा रहा था कि जो मुस्लिम वर्ग को अपना साथ करने का प्रयास किया जा रहा है और बीजेपी केवल पसमांदा समाज को ही क्यों टारगेट कर रही है, ये पूरे मुस्लिम वर्ग को क्यों टारगेट कर रही है, तो उसके पीछे भी एक अहम कारण ये है कि अगर उत्तर प्रदेश की कुल आबादी की बात करें, अगर कुल आबादी में 5 करोड़ अगर मुस्लिम वर्ग के वोट हैं तो कहीं ना कहीं उसमें 4 करोड़ वोट पसमांदा यानी दलित वर्ग से हैं, यानी 80% वोट पसमांदा समाज से हैं। और यहाँ पर निश्चित रूप से जब पसमांदा समाज समुदाय से इतने प्रतिशत वोट बैंक मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर दाव लगाना जरूरी है और चुनाव महत्वपूर्ण है और चुनाव के समय हर चीज़ को बेहतर ही माना जाता है। और जहाँ बीजेपी का सिर्फ एक ही बात कहना है इस तैयारी और इस रणनीति के पीछे कि जो कि उनके प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, कल्याणकारी योजनाओं की बात करते हैं, बेहतरी की बात करते हैं, अच्छाई की बात करते हैं और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, इसलिए हमको अब इस चर्चा को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा और इस चर्चा में हमको ये भी साबित करना पड़ेगा कि हम सभी वर्गों को लेकर चल रहे हैं। फिलहाल सभी मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं, आपको रूबरू करा दूँ। सफर हुसैन भाई बीजेपी अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में बिरुण भाई अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता आपके रूप में सैयद मोहम्मद तकी अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता प्रसपा के रूप में इखलाक भाई अपना पक्ष रखेंगे, नितिन सिंह यादव जी भाई समाजवादी पार्टी अपना पक्ष रखेंगे और इस्लामिक स्कॉलर के रूप में डॉक्टर मिर्जा शफीक भाई अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि यहाँ चर्चा का विषय, तो पहला हमारा सवाल रहेगा वो रहेगा नेता भाजपा से, सबर भाई चुनाव पास आ गए हैं और रणनीति बड़ी तगड़ी बनाई जा रही है, मैं देखा है और बयान जैसे चल रहा है कि अब जो जहां सीटें आपका कमल नहीं खेल पाया 1000 से ज़्यादा वार्ड 60 से ज़्यादा निकाय सीटें वहां पर बीजेपी कुछ अलग रणनीति बनाने जा रही है और कहा जा रहा है साफ सुथरी छवि के मुस्लिम वर्ग के लोगों को जो कि भाजपा में जुड़े हुए हैं और उनको यहाँ प्रत्याशी बनाया जाएगा और वहाँ पर भी कमल खिलाने का प्रयास किया जाएगा, ये चुनाव को देखते हुए है या सबके साथ सबके विकास की भावना को और मजबूत करने जा रहा है। गौरव जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब ये सबका साथ सबका विकास का नारा दिया तो ये उसी सबका साथ सबका विकास का जो नारा है उसी को ये मद्देनजर रखते हुए सरकारों ने हमारी सरकार ने काम किया जी। जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान दिल खोल कर जुड़ रहा है। अच्छा, जिसका रिजल्ट आपने अभी देखा 22 में जी, विपक्ष आरोप लगाता रहा जी, 19 में भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी सत्ता में, लेकिन हम जो है 19 में भी हम चुनाव जीते, 22 में भी जीते जी। और उसके बाद जो मोदी जी ने पसमांदा मुस्लिम की बात की जी, हम तो ये कहेंगे जब से देश आजाद हुआ कांग्रेस और सपा बसपा जो भी पार्टियां रही सत्ता में उन्होंने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के नाम पर इस्तेमाल किया। अच्छा। और जो भी योजनाएं उनके लिए आती थी उनका लाभ उन तक नहीं पहुंचता था जी।
सबका साथ सबका विकास और बाद में सबका विश्वास, ये जो विश्वास वाली बात मोदी जी ने कही जी। और ये नारा जो आगे जोड़ा गया, ये विश्वास मुसलमानों में कूट कूट कर उनके दिमागों में भर गया है कि अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही है, ऐसी पार्टी आई है जो देश हित में सोचती है और सबके बारे में सोचती है, 135 करोड़ के बारे में सोचती है। तो जो पसमानदा मुस्लिम की बात कही आप, देखिए जो दबा कुचला मुस्लिम था, क्योंकि हमारे दीनदयाल जी ने भी कहा अंत्योदय, यानी पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उदय होना चाहिए, उसी पर मोदी जी ने कहा पसमानदा मुस्लिम, यानी जो दबा कुचला मुस्लिम समाज है, जो कभी सत्ता से दूर रहता था। मुझे लगता है आजादी के बाद से जो मुस्लिम समाज के जो सांसद रहे हैं वो लगभग 300-350 के आसपास रहे हैं, और पसमानदा मुस्लिम की संख्या 40-45 या 60 के आसपास रही है। तो कहीं ना कहीं उपेक्षा इस दबे कुचले मुस्लिम की हुई है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो दबा कुचला मुस्लिम है वो भी सामने आए, और ये पहली बार हो रहा है कि मुसलमानों को जो फतवे मुफ्ती जारी करते थे कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराए आप उसको वोट दीजिए, कहीं ना कहीं वो भी डर कर चुपचाप बैठे हुए हैं, और उनको भी लग रहा है कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए काम कर रही है, अब हमारे फतवे का असर भी नहीं होगा। तो सारे मुफ्ती भी खामोश हो गए कि जो है जो भाजपा को हराए उसको वोट दो, वो भी शांत बैठे हुए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान खुलकर सामने आ रहा है, और रही बात चुनाव लड़ाने की, अब विपक्ष को यह तकलीफ होगी कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट क्यों दे रही भाई, क्योंकि ये तो मेरा अधिकार है, ये मेरे गुलाम है, ये मेरे गुलाम है, मुसलमान मेरे गुलाम है, मेरे बंधुआ मजदूर हैं, ये भारतीय जनता पार्टी क्यों वोट टिकट देने का काम कर रही है। तो भारतीय जनता भाई राजनीतिक दल है, हम धीरे धीरे जो नफरत फैलाई थी कांग्रेस सपा बसपा ने उसको हम दूर करने में हम कहीं पर हमारी पार्टी कामयाब हुई है, और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी से लोग मुसलमान जुड़ रहे हैं, और जो नगर निगम का जो चुनाव आ रहा है इसमें मुसलमानों को टिकट दिया जाएगा, नगर पालिका का भी टिकट दिया जाएगा, सभासदी का भी टिकट दिया जाएगा, उन क्षेत्रों को चिन्हित किया जा रहा है कि जहां पर मुस्लिम बाहुल है, जहां पर अच्छे कार्यकर्ताओं को हम लड़ा सकते हैं, अच्छे पसमानदा मुस्लिम समाज के जो अच्छे कार्यकर्ता हैं उनको लड़ा सकते हैं, सभी जो पसमानदा में सभी जातियां हैं, जैसे सैफी बिरादरी है, मंसूरी बिरादरी है, इन सभी बिरादरियों के समीकरण को देख करके ही हमारे वरिष्ठ लोग उनको टिकट देने का काम करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि भारी मात्रा में मुस्लिम समाज इस बार जीतकर चुनाव आने वाला है। भाई और मेहमान को लूंगा, पर एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्या ये पटकथा, ये रणनीति 19 में भी रहेगी, 19 में नहीं थी, 24 में रहेगी, और 27 में भी कैसी रणनीति पे काम होगा, जो अभी आपने निकाय चुनाव में बताया है तरजीह देंगे, तो ऐसा क्या हमको 24 में और 27 में देखने को मिलेगा? देखिए ये एक शुरुआत हो रही है, इससे पहले भी जो निकाय चुनाव हुए थे नगर निगम के, उसमें भी मुसलमानों को दिया गया था, लगभग 4 या 5 चेयरमैन जो है नगर पालिका के जीत के आए थे। हम पहली तो जो ये काम था भारतीय जनता पार्टी का, जो नफरत फैलाई गई है उस नफरत को हम कितना दूर कर सकते हैं, क्योंकि जब बीजेपी से मुसलमान लड़ता है तो मुसलमान कहता था कि ये भाजपा का है, इसको वोट नहीं देना, और हिंदू समाज ये कहता था कि ये मुसलमान है, हम इसको वोट नहीं दे, उस चीज को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दूर कर दिया, खत्म कर दिया उस चीज को, उस चीज को बिल्कुल खत्म कर दिया, और भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान इसीलिए जुड़ रहा है, और आपने देखा कि हर चुनाव में 10-20% वोट, 10-15% वोट मुस्लिम का मिला है। आपकी बात पर इखलाक भाई और नितिन भाई दोनों हंस रहे हैं भाई, अब क्यों हंस रहे हैं वो उन्हीं से पूछ लेता हूँ। नहीं ये तो हंसना तो है, वोट बैंक जा रहा है तो हंसेंगे। आपकी परंपरागत वोट बैंक में यहाँ पर शेयर लगाई जा रही है, अब जीत नहीं पाएंगे भैया, आप तैयारी पूरी है, कैसे देखते हैं भाई नितिन भाई? वोट बैंक नहीं, गुलामों में सेंध लगाई गई। हाँ, मुस्लिम गुलाम था इन पार्टियों जी। बोलिए नितिन भाई, नितिन भाई का जूम किया जाए जी। उनको क्या समझ रहे हैं जी? देखा मैंने तो एक लाइन ये कहनी है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, देर हो गई लो जी। ये रास्ता तो अंत में समाजवाद का रास्ता तो सबको अपनाना ही पड़ेगा जी। समाजवाद ही एक ऐसा रास्ता है जिस गंगोत्री में सबको डुबकी लगानी पड़ेगी। कब तक आखिर नफरत बांटोगे? कब तक आखिर लोगों के मनों में नफरत पैदा करोगे? कब तक 80-20 की बात करते रहोगे? आज आखिर उसी रास्ते पे आना पड़ेगा। लेकिन नफरत तो आप ही पार्टी फैलाती थी 2012 में, जब सत्ता से 150 से ज्यादा दंगे हुए आपकी सरकार में, बात कर रहे हैं 150 से ज्यादा दंगे हुए आपकी सरकार में। देखो सभा, नहीं देखो मैं रुक जाता हूँ, गौरव जी रुक जाता हूँ। देखिए हमारी पहली डिबेट है, आज हुसैन ने पूरी बात को बहुत अच्छे से कहा, मैंने सुना, मैंने शुरू की, उन्होंने टिप्पणी की, मैं डिबेट या तो छोड़ दूं। नहीं, करते हुए सुना है, मेरा करेक्टर नहीं है प्रतिनिधि करने का, मैं डिबेट को छोड़ सकता हूँ, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। इनको मैं कसम दिलाता हूँ मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, पहला सेंटेंस पहला वर्तन भी नहीं पूरा करने देंगे, बोले 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 ठीक है पहला वर्तन पूरा नहीं करने दोगे।
कायदे में बात करिए, कायदे में। ठीक है भैया, मना रहे रहिए, आप आप मुसलमानों को गुलाम समझती है? प्लीज, आपका मुसलमान गुलाम है क्या आपकी पार्टी का? करवाए आपकी सरकार ने अखिलेश भाई, सवाल भाई, सवाल भाई, प्लीज, इसका जिम्मेदार कौन है? प्लीज प्लीज, सवाल भाई, सवाल भाई, सवाल भाई, सवाल भाई, प्लीज, किसने किया नफरत फैलाने का? भाई सवाल भाई, प्लीज, सवाल भाई, सवाल भाई, प्लीज, राष्ट्रीय ऐसे लोगों को आप जब बिठाओ तो कृपया माफ करिए, मुझे मत बिठाइए, ध्यान रखूंगा। बोलिए, इनको तहजीब है? पहला, मैंने कितनी सराफत से इनको सुना, और ये तो आप सुनोगे क्योंकि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गया है, आपका गुलाम नहीं है, बोलने दिया जाता है, सुननी पड़ेगी आपको। तू मैं शुरू होती है, ये कैसे लोग ले ले आपको? ठीक है नितिन भाई, बोलिए। सपाल भाई, आप प्लीज चलने डेबिट पे बोल लीजिए। ठीक है नितिन भाई, बोलिए, कोई नहीं बोलेगा, बोलिए, सबका मौका है। दूसरे राउंड में आप बोल सकते हैं, पहले राउंड में मत बोलिए। बोलिए यही तरीका सिखाया जाता है आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो सिखाया नहीं जाता बदतमीज कहेंगे फिर नहीं, हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता है, बदतमीज कहेंगे, हमारे यहाँ सभ्यता चलती है। डिबेट की आप लोग डिबेट की, अगर तू बोला ना तो मैं तेरे जवाब से लूंगा। बदतमीजी शुरुआत किसने की? बदतमीज किसको बोला? आराम से अपने पास है भाई, गलत मर्यादा भरी सवाल भाई, मर्यादा भरी प्लीज भाई, प्लीज, मैं अकेला बोल मैं तुम्हें लिखवा दूंगा। सवाल भाई, सवाल बोलोगे एफआईआर मैं लिखवाऊंगा, आप एफआईआर लिखवाओगे? मर्यादा भरी प्लीज, डिबेट खराब मत करिए, प्लीज डिबेट खराब मत करिए, डिबेट खराब करने सभा वाले पूरे देश के पूरे प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं। इसमें बोलिए प्लीज, प्लीज डेढ़ सौ दंगे करवाएंगे सरकार में, मुसलमानों को बेइज्जत करेंगे, प्लीज प्लीज, उसके बाद तमीज बोलेंगे? अरे दंगाइयों की दंगाई तुम आओ, आप बोल चुके हैं सवाल भाई, मतलब नहीं है बात बोलने का, नहीं बोला आप बोलिए, वो बोल रहा है, नहीं बोला गौरव जी, ये कोई तरीका इनको बात करने का? उनको बोलने दीजिए, उनको ठीक है आराम से बैठ, मेरे बीच में मुसलमानों को गुलाम समझते हैं आप अपना? अरे तुम्हारे जैसे लोग गुलाम हो, तुम्हारे जैसे हम लोग तो समाजवादी लोग हैं, सबका तुम गुलाम हो भारतीय जनता पार्टी के, पहले जाकर हो गया, हो गया, अपनी औकात बता रहे हो, मानसिकता बता रहे हो गुलामी, हो गया, हो गया, हो गया, ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ऐसे डिबेट नहीं होगी, बिल्कुल डिबेट नहीं होगी, मैं डिबेट बंद कर दूंगा अगर आप ऐसे बोले, प्लीज मेरा कहते नहीं। सपाल भाई मैं टॉपिक है, सपाल भाई प्लीज समाज के सब लोग बैठे हुए चैनल के ऊपर, आप उसको बदतमीज बता रहे हो? ठीक है हो गया चले, हो गया ठीक है मरा रहे ठीक है। सवाल भाई, सवाल भाई, प्लीज नितिन भाई अपनी बात पूरी करिए, अब कोई बोलेगा नहीं, प्लीज नितिन भाई बात पूरी करिए, मैं बाकी मेहमानों को लेता हूँ, समय कहते हैं, बोलिए नहीं बोलने दिया जाएगा। मैं देखिए, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, अगर मुझे कोई डिस्टर्ब करेगा तो मैं गौरव जी ऐसे जो जाहिल लोगों के साथ में डिबेट नहीं करना चाहूंगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। भाई प्लीज सुन लीजिए, आप गौरव जी इस तरह की भाषा बोलेंगे आपके चैनल पर? भाई नहीं, आप बताइए, जाहिल बता रहे हैं बदतमीजी कौन कर रहा है? नितिन भाई आप ध्यान दीजिए, गौरव जी कौन बदतमीजी कर रहा है? आपने मुझे सम्मान के साथ बुलाया, ये आदमी मुझको जाहिल बताएगा? भाई नितिन भाई, आप भी इस तरह बात मत, अपने चाचा को कौन धक्का देता है? बोलिए मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ जी, पहले जो प्रवक्ता होता है उसको इतना तो तहजीब सिखा दीजिए कि फर्स्ट राउंड में कमेंट्स नहीं किया जाता है। मैंने कमेंट्स नहीं किया जी, बोलिए अब बोलिए, आप बोलिए, और आपने मुझसे प्रश्न किया, पहले राउंड मुझे जवाब देने देते, इसके राउंड में मैं बात करते तो अच्छा लगता। पूरी डिबेट आप लोग थोड़े करेंगे, बाकी लोग भी बैठे हैं, नितिन भाई बात पूरी करिए, बोलिए प्लीज, बोलिए, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, सपाल भाई प्लीज,
आपको मेरी बात रखनी है, बोलिए निर्भय बोलिए। गौरव जी, देखिए मैंने बहुत सराफत से एक बात कही, बोलिए कि देखिए एक विचारधारा होती है, बहुत दिनों तक नफरत नहीं परोसी जा सकती है, हमेशा एक समाज में शांति का रास्ता होता है, सबको लेकर के चलने का एक रास्ता होता है और सबको उस रास्ते पे आना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक करैक्टर है, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी हमेशा अलग रही, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जो कहा वो नहीं किया। आज और अभी भी ये पूरी तरीके से अगर ये कह देते कि ये हिंदू मुसलमान की बातें छोड़ देते कि जो भी भारतीय है हम उस हर भारतीय को गले लगाएंगे, वो किसी भी कम्युनिटी से आता हो, जो योग्य होगा, अच्छा होगा, सम्रांत होगा, राष्ट्रवादी होगा, हम उसको टिकट दे देंगे तो स्वीकार कर लेते। मैंने ये शुरू में कहा कि बहुत देर कर दी हुजूर, आते आते आप 80 लोकसभा सीटें लड़े, 80 लोकसभा सीटों में कितने मुसलमानों को आपने टिकट दे दी, आप 425 विधानसभा उत्तर प्रदेश की लड़े, आपने कितने मुसलमानों को टिकट दे दी, और अभी अब जब नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं तो भी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर बात कर रहे तो सारे मुसलमानों जी 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 हम लोग तो सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, सबको गले लगा के बात, सबके हाथ की बात करते हैं, हम तो 80-20 की बात नहीं करते हैं, हम तो करते हैं भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करते हैं कि वो सबकी बात करे, वो क्यों मतदाता की बात करती, सारे मुसलमानों की बात करे, सबकी बात करके टिकट दे दो, सबकी बात कही है, चुनाव लड़ा रहे इनको कहीं विधानसभा में भेज दे, टिकट दे इनको, अभी 2024 में लखनऊ से टिकट दे लोकसभा का, हम स्वागत करेंगे सबको साथ के, यहाँ सबकी बात ही करी नितिन भाई, यहाँ सबकी बात की है जी, मैं वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ बात आ रही है कि सिर्फ पसमानदा मुसलमानों को, तो मैं ये कह रहा हूँ कि और वो भी कहाँ देंगे, जहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती है जी, जहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती है उस सीट पर आप देंगे, इसका क्या मतलब होता है भाई जी, मतलब समीकरण है ना भाई, जो जहाँ का प्रत्याशी होगा भाई जो उतारेंगे वो समीकरण आप ही उतारोगे जी, वो तो समीकरण होगा नितिन भाई जी, हमारा जो स्काइप का कनेक्शन है जो डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा कॉल करा दीजिए, स्काइप कॉल कर लिए नितिन भाई को, तब तक बाकी मेहमान को लेते हैं, ठीक है विनोद भाई, भाई यहाँ पर बड़ी रणनीति है और यहाँ पर रणनीति में जिस तरह पर देखा कुछ अनसंतुलित भी हुई डिबेट दोनों के बीच में, आप कैसे देखते हैं यहाँ पर बीजेपी के स्ट्रोक को और कांग्रेस जो कि पहले पसंदीदा पार्टी रही है मुस्लिम वर्ग की, अब मुस्लिम वर्ग लगता है कि कांग्रेस से पूरी तरह से छिटक के दूर जा चुका है, कैसे देखते हैं? नहीं देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, सवाल है भारतीय जनता पार्टी का एक जो विश्वास है, जो उसकी स्वाभाविक राजनीति करने की शैली है, फूट डालो राजनीति करो, आपस में ऐसा वैमनस्य का भाव पैदा करो, आपस में इतनी दूरियां पैदा कर दो कि इनके राजनीतिक हित सध जाएं, लेकिन सवाल है कांग्रेस पर तो ये कहीं नहीं, ये निकाय चुनाव में ऐसी पोजीशनिंग अपनी कर रहे हैं जिसका लाभ इनको, चूंकि ये देखिए पूरी देश के युवाओं की, किसानों की, महिलाओं की, सबकी जन आकांक्षाओं पर, सबके विश्वास पर इन्होंने विश्वासघात किया है, पानी फेरने का काम किया है, तो ये अपने आप को अगला आगामी चुनाव, राष्ट्रीय चुनाव, लोकसभा का चुनाव पूरी तरीके से हारते हुए दिख रहे हैं, इसलिए अब ये अपने स्वाभाविक जो वोट बैंक जो अभी तक समझ रहे थे उनको चूंकि बार बार कितनी बार ठगेंगे, अच्छा। तो अब इन्होंने एक लकीर दूसरी खींचने का प्रयास किया है, लेकिन ये सफल नहीं होंगे क्योंकि देखिए ये पहले हिंदू कार्ड के साथ आए, बहुसंख्यक की राजनीति करेंगे, हिंदूवादी राजनीति करेंगे, लेकिन आज अगर देश में सबसे बदहाल स्थिति में कोई है तो हिंदू नौजवान है, हिंदू किसान है, हिंदू व्यापारी है, उसका सीधा समीकरण है क्योंकि उसकी संख्या में ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा इनकी अनीति का, इनके असंवैधानिक कृत्य का, इनके नासमझी का, इनके साधन संसाधनों की जो सोच है, संस्थाओं की लूट की खुली छूट अपने चुनिंदा मित्रों को देने का, इस सबका सीधा अगर सबसे ज्यादा असर पड़ा तो वाकई में हिंदू भाइयों को पड़ा, हिंदू युवाओं को पड़ा, हिंदू किसानों को पड़ा, उसके साथ समाज के और लोगों को भी पड़ा, बड़ी सीधी सी बात है, लेकिन अब चूंकि ये उस गणित में अपने आप को कहीं ना कहीं पीछे और असफल अपना इनका असेसमेंट है तो ये नई बात करें, रही बात कांग्रेस पार्टी, लेकिन अच्छी बात है कह रहे हैं निकाय चुनाव बहाना है और इनका निशाना आगामी लोकसभा चुनाव है, तो कहीं ना सेमीफाइनल है, नहीं नहीं सुनिए, लेकिन ये दाल इसलिए नहीं गिलने वाली है क्योंकि देखिए
हमारा मुस्लिम समाज विशेषकर बहुत जागरूक है और राजनीतिक रूप से बड़ा परिपक्व है। वो भारतीय जनता पार्टी की इन चालाकियों को, इन 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 लालच वाले फार्मूले को और इनकी इनकी शैली से, इनकी स्वाभाविक नीति से भली भांति परिचित है। वो इनके किसी भी झांसे में, इनके झूठे छलावे में, इनके जुमले और बोगस राजनीति में आने वाला नहीं है। रही बात अगर विशेष रूप से आप कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे, आप नाम गिनाने आ जाऊंगा देश के बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर, नहीं नहीं, मुस्लिमों को जब हमें अवसर मिला राजनीति में, हम सरकार में थे, बड़े बड़े पदों पर उनको सुशोभित करने का काम किया। अच्छा। उन्हीं के वर्ग से पसमांदा भाइयों के जब वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, उपराष्ट्रपति बनते हैं, वो अपने स्वतंत्र रूप से कोई देश हित के लिए भारत की क्या एक सोशल फैब्रिक है या क्या उनका नजरिया है, वो स्पष्ट रूप से अगर अपनी बात कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के छुटभैये नेता से लेके बड़े बड़े नेता लोगों को बुखार आ जाता है और उनको व्यक्तिगत अमर्यादित अशोभनीय टिप्पणी करने लगते हैं। तो चलन बन गया, नहीं तो देश में चलन बन गया। तो इस सब चलन के लिए हमारा मुस्लिम मतदाता, खासकर पसमांदा हमारे समाज के भाई जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के इस खेल को समझते हैं। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी अब देखिए राजनीति में जाग नहीं कर सकती। स्वाभाविक है, वो देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आंख से आंख मिला के आर पार लड़ाई लड़ने का काम देश में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस नेता कर रही है। बाकी लोग तो अपने अपने सुविधाजनक तरीके से चुनावी मौसम निकल आते हैं, कुछ जुमला सुविधाजनक की बात कही, किसके लिए कह दी भैया आपने? अब आप समझदार को इशारा काफी, बाकी सारे लोग देखिए कांग्रेस पार्टी शुरू से बिना अपने राजनीतिक व्यक्तिगत हित को किनारे रखते हुए देश बचाने की लड़ाई, देश में सर्वांगीण विकास हो। अच्छा। भारत जनता पार्टी की मनमर्जी तानाशाही, अच्छा, इनकी जो संस्थाओं और संसाधनों की खुली लूट है, उसका दुरुपयोग है, उस पर अंकुश लगाने का राजनीतिक, वैचारिक, नैतिक और मौलिक रूप से अगर कोई काम कर रहा है तो देश की जनता जानती है कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो हम अपने इस लड़ाई पर, अपने इस गांधीवादी आंदोलन के दम पर ये कह सकते हैं कि हमारा समाज पसमांदा मुस्लिम समाज हमारे साथ ही आएगा इस निर्णायक लड़ाई में, भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा। ठीक है, ठीक है। ताकि भाई समय बड़ा कम है और आप भी अपनी बात पूरी करिए। कैसे देखते हैं भाई? आप भी यहाँ पर लगातार मुस्लिम वर्ग की बातें करते हैं और कहा जाता है कि आप भी इस वर्ग के पीछे अपना पूरे पक्ष से आधार बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करती। अच्छा। आम आदमी पार्टी सबको साथ में लेके चलने की बात करती और आम आदमी की बात करती है। और आज के बाद आम आदमी बहुत परेशान है हर तरह से, चाहे वो आम आदमी पार्टी, आम आदमी हिंदू हो, भाई हम तो स्टॉक देखते हैं, कोई जो भी हो, लक्ष्मी गणेश जी की फोटो लगाने की बात सुन लेते तो लगने लगता है यहाँ उसमें कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं। आपने किसी मुसलमान को उसका विरोध करते देखा? मुसलमान के विरोध, उसमें बीजेपी विरोध कर रही थी, किसी हिंदू को विरोध करते देखा? कोई नहीं, इसने विरोध नहीं किया। दूसरी बात है, भारतीय जनता पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ मैं आपसे, दो मिनट दीजिएगा मुझे। भारतीय जनता पार्टी जो है लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र को खत्म कर रही है, भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक तरीके से संविधान को खत्म कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी से ओबीसी को खत्म कराया और भारतीय जनता पार्टी ने दलित के अंदर दलित घुस के दलित को खत्म कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का ये तरीका है, अब ये पसमांदा समाज के अंदर आके मुसलमानों से मुसलमानों के वोट के असर को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा जो चुनाव हुआ था उसमें एक तरफा मुसलमानों का वोट जो है समाजवादी पार्टी को दिया था और समाजवादी पार्टी 111 सीटों पर निकल के आई। तो ये डरे हुए हैं क्योंकि इनको 2024 का चुनाव दिख रहा है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, इनको लगता है अगर ये इफेक्ट रहा तो बीजेपी की सर जो है वो जो सीटें जो पिछली बार आ गई थी 80, वो इस 76 उस बार नहीं आ पाएंगी, कम हो जाएंगी। तो उसके असर को कम करने के लिए पसमांदा समाज में मुसलमानों में इतने ज़्यादा नेता तैयार कर देंगे कि उनके वोट का असर जो है वो ख़त्म हो जाए, डिमिनिश हो जाए, और जिससे भारतीय जनता पार्टी को आसान रास्ता निकल आए, उनको मिल जाए। इन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, इनसे पूछे इतने मेयर उत्तर प्रदेश में, कितने मेयर पर मुसलमान कैंडिडेट को पसमांदा समाज के खड़ा करेंगे? अगर इनको पसमांदा समाज से इतनी हमदर्दी है तो उपराष्ट्र उप मुख्यमंत्री बना दे किसी पसमांदा समाज को, या गृह मंत्री बना दें। कितने वो लोगों को इन्होंने 2017 के चुनाव में वोट टिकट दिया, एमपी एमएलए का या एमपी के टिकट दिए? आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मिनिस्टर, कोई कैबिनेट मिनिस्टर जो है मुसलमान नहीं है और ये पसमांदा समाज की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों में दलित लेके आ रही, अब ये दांव भारतीय जनता पार्टी को उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि दलित वोट भी अगर चक्कर में मुसलमानों के साथ चला गया और दलित दलित ना मुसलमान दलित समझने लगे तो ये बीजेपी को बहुत भारी पड़ सकता है।
तो बीजेपी जो है इस वक्त आग से खेल रही है। अच्छा, उनको लग रहा है कि ये सब करके ये कर लेंगे, लिंक कर नहीं पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी, जवाब लूंगा आपसे, बीच में बोलिए, भारतीय जनता पार्टी की असलियत को जो है जवाब लूंगा आपसे, देश का एक एक बच्चा, सब आपके विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को देश का एक बच्चा जान गया। भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग नहीं किया है, जो नहीं छोड़ा है, जो इनको चुनाव में इसका इस्तेमाल ना किया। सीबीआई हो गई, ईडी हो गई, सीआईडी हो गई, इनकम टैक्स हो गई, इलेक्शन कमीशन हो गया, न्यायालय हो गया, उस सब का इन्होंने दुरुपयोग किया है कि विपक्ष को खत्म करने के लिए, तोड़ने के लिए, उसके असर को खत्म करने के लिए। तो बीजेपी अपने जीतने पे ना इतरा है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह जीत रही है सब जानते हैं जीत रही है। लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी है, हम लोग बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए कानून का सम्मान करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, उसकी गरिमा में रहना चाहते हैं, उससे बाहर नहीं निकलना चाहते, वरना बीजेपी को हम जवाब देना अच्छे जानते हैं। ठीक है कपाल भाई, अभी आपको जवाब देने का मौका मिलेगा, सबका जवाब आप ही को देना है, सबसे लोहा आप ही ने लिया है, आप ही जवाब देंगे। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर मिर्जा शफीक इस्लामिक स्कॉलर के रूप में जुड़े हुए हैं। शफीक जी, महत्वपूर्ण चर्चा विषय है, और यहाँ पर अगर आप लोगों को एक साथ या अपने साथ जोड़ने का प्रयास करने की कोशिश की जा रही है तो इसमें बुराई क्या है, विरोध क्या है? क्योंकि दल तो यहाँ बता रहा है, जो विरोधी दल है कि वो केवल नाटक है, आप कैसे देखते हैं? जी डॉक्टर मिर्जा शफीक, आपको मेरी आवाज आई है? डॉक्टर मिर्जा शफीक सर, डॉक्टर मिर्जा शफीक को मेरी आवाज नहीं जा रही। डॉक्टर मोहम्मद इखलाक जी प्रेस पास जुड़े हुए हैं। इखलाक भाई, आप बड़ी बात है, मुस्कुरा रहे थे उस समय जब सफार भाई बातें कर रहे थे अपनी, कि हम लोग सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ चलेंगे, कैसे कहेंगे? देखिए गौरव भाई जी, सबसे पहले तो हमारे दोनों जो साथी हैं सम्मानित, हमसे बड़े सीनियर जी, तो वो ऐसी कोई चीजें मत करें कि जिससे कि आपकी डिबेट खराब हो या उत्तर प्रदेश की जनता जो उनको देखती है। जी बिल्कुल, जो उत्तर प्रदेश की जनता देखती है, क्योंकि हम लोग बैठते हैं एक टॉपिक पे बहस करने के लिए। जी, इतना बढ़िया मुद्दा आजकल, इतना अच्छा मुद्दा मैंने रखा है, बहुत अच्छा मुद्दा रखा था, मैं तो बहुत समय खराब हो गया, मैं नहीं करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हंस इस बात को लेके हंस रहा था जी, कि हमारे भाई कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों से बहुत लगाव जी, हंसने का विषय तो है ही है, लगाव नहीं है, एक भी विधायक मैं बता रहा हूँ बहुत लगाव जी, बोलिए वो लगाव बताऊंगा आपको, पहले लगाव कहाँ नहीं है वो सुन लीजिए, एक भी विधायक मुसलमान समाज से नहीं है जी, और जो हमारे माननीय मंत्री जी बने हैं दानिश आजाद भाई जी, वो खुद भी चुनाव लड़के नहीं बने जी, बिल्कुल उनको तो बनाया गया चेहरे के आप दीजिए और चुनाव लड़िए, और एक बात हमारे भाई ने कही कि मुसलमान गुलाम, अच्छा तो हमारे भाई भी जानते हैं मुसलमान किसी से डरता नहीं। अरे आपकी अगर गौरव भाई सुन ली, मुसलमान अगर किसी से डरता है तो उस देश के संविधान से डरता है, अच्छा उस देश का संविधान ने अगर जो हक मुसलमानों को दिया है वो करेगा जी, और कितना प्यार है वो आप सबने देखा कि सबसे ज्यादा अगर किसी पे अत्याचार हुए तो अल्पसंख्यक समाज पे हुए, चाहे वो मॉब लिंचिंग के नाम पे हो, गौहत्या के नाम पे कितने मुकदमे कर दिए गए, कोविड के टाइम सब्जी बेचने वाले जो गरीब तबके के मुसलमान था उनको मारा पीटा गया, आप सबने अच्छा। वीडियो देखा जी। तब कहां शांत बैठती थी भारतीय जनता पार्टी जी, आज आवाज उठा रही मुसलमानों की जी, आज चौक के थाने या कहीं चले जाइए अगर कोई मामला हो जाता है तो मुसलमान देख के काम नहीं होता है, अच्छा तब कहां रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, अच्छा आज इनको मुसलमान बहुत याद आ रहे हैं। आप उन्होंने कहा कि मुसलमानों के हाथ में, बच्चों के हाथ में लैपटॉप दे देंगे, अरे जो बच्चे नौकरी के लिए तड़प रहे हैं अभी टेट की परीक्षा में आपने देखा कि कितने बच्चे किस तरीके से ट्रेन से कैसे कैसे गए, अरे उनके हाथ में लैपटॉप देने गए तो काम करें आप जी। भारतीय जनता पार्टी केवल बांटने का काम करेगी, अभी तक हिंदू मुस्लिम करने की बात करती थी, मुसलमान में ही इन्होंने दो भाग कर दिए, अच्छा 80-20 करने वाले कौन नेता है, सबसे ज्यादा मुसलमानों को भद्दा भला करने वाले कौन किस पार्टी के नेता है, इनके सबसे जो आरएसएस है वो मुसलमानों को आतंकी कहती है, तब कहां शांत रहते सवाद भाई जी, तब नहीं बोल सकते हैं जी, बिल्कुल केवल तो केवल देखिए ये राजनीति करना चाह रहे हैं जी, जो एक स्लोगन पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है कि हिंदू मुस्लिम करके हम चुनाव जीते, अब इन्होंने उसको नया अपडेट वर्जन लाया है कि मुसलमानों को हम आगे लेके जाएंगे जी, अब ये कहां लेके जा रहे हैं मुसलमानों को, ये उत्तर प्रदेश की जनता भी जान रही है और सभी लोग जान रहे हैं तो और मुसलमान तो ये अगला भाई मुस्लिम वर्ग जाएगा कहां, ये लेके नहीं जाएंगे? देखिए मुस्लिम वर्ग अपने आप में खुद बहुत समझदार है, अच्छा मुस्लिम वर्ग को किसने क्या दिया, मुस्लिम वर्ग के लिए किसने लड़ाई ली जी, और कौन उनका साथ देता है ये मुस्लिम वर्ग बहुत अच्छे से जानते हैं, अच्छा
मैं अगर यहाँ पे चिल्ला के कहूँ कि उत्तर प्रदेश का एक मुसलमान मेरे साथ है तो आप क्या बात सही होगी? नहीं, कोई भी यहाँ बैठे के उत्तर प्रदेश का मुसलमान या उत्तर प्रदेश के एक जनता का आदमी उसके साथ है? नहीं, जनता अपने आप में खुद समझदार है। ठीक ठीक, भारतीय जनता पार्टी को लगातार वो देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। मुस्लिम समाज ने भी लगातार देखा कितने उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। अब जो मोहब्बत याद आ रही है तो वो आप लोग के सामने और बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। कोई बात नहीं, हमारे साथ डॉक्टर मिर्जा सभी जुड़ चुके हैं। सफीक जी, मैटपुर चर्चा बैसा है और यहाँ पर अब मुस्लिम वर्ग को भी अपने साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है, और कैसे देखते हैं? क्योंकि विरोधी दल जो बता रहे हैं कि ये केवल नाटक है, जबकि बीजेपी कहना है कि सबका साथ सबके विकास के साथ हम आगे जा रहे हैं और अब इस वर्ग को भी हम अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। देखिए, मुसलमान हिंदुस्तान की एक मजलूम तरीन कौम है जी, और जो भी इसकी तरफ मोहब्बत से देखता है ये उसकी तरफ रहम की निगाहों से देखने लगती है जी। और अब तक ऐसा ही हुआ है कि तमाम पार्टियों ने सिर्फ इसको यूज किया है, इस्तेमाल किया है जी, और इसके साथ इंसाफ अभी नहीं हुआ है जी। अब ये है कि जिस तरह से लोकमा किसी के मुंह में डाल देते हैं जी, हर पार्टी ने लोकमा इसको दिया है जी, और इसका हक आज तक नहीं मिला है जी। बिल्कुल, चाहे कोई भी पार्टी रही हो इससे पहले जिसने भी मुसलमानों के नाम पर मुसलमानों का वोट लिया है, इन्होंने मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं किया है पूरी तरह से जी। वो सिर्फ लुकमे भर का देते रहे और जो हक होता है मुसलमानों को वो हक इनको आज तक नहीं मिला है जी। और रहा सवाल बीजेपी का इस वक्त मुसलमानों को टिकट देने का जी, तो बहरहाल इससे पहले जैसा कि भी कहा, भी आपने भी शायद कहा और लोगों ने भी कहा जी, कि 2019 के इलेक्शन में या इससे पहले के इलेक्शन में जी, बीजेपी ने क्यों मुसलमानों को टिकट नहीं दिए जी। हत्या के जो उस वक्त की सियासत थी वो यही थी कि ना तो हमें मुसलमानों का वोट चाहिए जी, और ना सपोर्ट चाहिए, उसके बगैर हम हुकूमत लाएंगे जी, और उसके बगैर हुकूमत ला के दिखाई ये भी है बीजेपी ने जी। बजाय मुसलमानों से सपोर्ट नहीं मांगा, उनसे वोट नहीं मांगा, उन्होंने टिकट दिया जी, लेकिन उसके बावजूद वो कामयाब हुए जी। और अब क्या मसले आते हैं ये तो वही जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं वही जानते होंगे कि किस नीयत से उन्हीं ने इस तरह से मुसलमानों को अपने साथ जोड़ा है जी। लेकिन उनकी नीयत जो भी रही हो जी, हम तो ये कहेंगे कि अगर वो मुसलमानों को साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं और वाकई इनका विकास चाहते हैं जी, तो हम इसका भी इस्तकबाल करते हैं और स्वागत करते हैं उनकी पहल का। बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर, बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगर वो सच्चे दिल से और सच्चे मन से मुसलमानों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं और उनका विकास चाहते हैं तो ये एक अच्छी बात है, और इसमें फिर मुसलमानों को भी समझना चाहिए इस चीज को। ठीक है, ठीक है सभी भाई। नितिन भाई अपनी बात करिए, फिर सपार भाई को लेता हूँ, सबका जवाब यही देंगे। बोलिए नितिन भाई, बात करिए। बिल्कुल जी, मेरे तमाम सारे साथियों ने जो बात कही जी, मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि देखिए भारतीय जनता पार्टी जी मुसलमानों में कुछ शेरों को जी मुसलमानों के खिलाफ, देखिए उनका एक खुला एजेंडा है जी, सीधे सीधे हिंदू की बात करते हैं कि हम हिंदूवादी पार्टी है जी, हम आरएसएस भी अपना हिंदुत्व की बात करता है, भक्ति की बात करता है, वो कभी भी इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों को खोटी आग नहीं करना चाहता है। लेकिन एक ऐसे हमारे तकी साहब कह रहे थे कि ये पिछड़ों से पिछड़ों की हत्या कराते हैं, ये दलितों से दलितों की हत्या कराते हैं, इसी तरीके से अब ये मुसलमानों को के ऊपर एक शिखंडी के तरीके कुछ चेहरे आगे खड़े करके और मुसलमानों पर ही हमला करना चाहते हैं। नहीं, निश्चित रूप से मैं सच बात कह रहा हूँ कि कुछ लोगों को ये शिखंडी के तरीके आगे खड़ा कर देंगे ताकि ये विपक्ष के लोग कहें नहीं नहीं अब ये सबके साथ की बात कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है, मैं तो कहता हूँ, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की बात करना बंद कर दे और वो पूरे देश की भारतीयता की बात करे और सबके साथ की वास्तव में बात करे, ईमानदारी से सबकी बात करे और कर्म की बात करे, रोजगार की बात करे, आय की बात करे और देश के डेवलपमेंट की बात करे, तो निश्चित रूप से इस पर कंपटीशन होगा। अच्छा। सभी राजनीतिक दल विकास पर चर्चा करेंगे और जिस देश का कल्याण हो जाएगा, समाज का कल्याण हो जाएगा, हर आदमी विकास करने की होड़ लगा देगा। ये जो
उन्माद भड़काया जाता है चुनाव के टाइम पर। और मैंने प्रश्न पूछा था अपने साथी से और मुझे उम्मीद है कि अभी जवाब वो बहुत ही शालीनता से देंगे। वो चूंकि एक प्रोटोकॉल की मर्यादा थी कि सभी को एक एक बात बोलने का मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल, उस पर जो टोका गया उससे मुझे रोष आया था और मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आगे से चीजों को ध्यान रखिए, क्षमा हो गई यहाँ पर, ठीक है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि 80 लोकसभा सीटें लड़ाई तो 80 लोकसभा में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कोई मुसलमान क्यों याद नहीं आया? 425 विधानसभा की सीटों में कोई मुसलमान क्यों नहीं याद आया? और अभी 12 मेयर के चुनाव होंगे तो उस पर भी कोई मुसलमान क्यों नहीं याद आएगा? चेयरमैन में उन सीटों पे बार बार वो खुद कहते हैं कि जहां समाज भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती है हम वहां पसमानदा मुसलमान लाएंगे, उस पर भी मुसलमानों भी कैटेगराइज कर दिया, पसमानदा को लाएंगे। अरे भाई अभी भी क्यों कैटेगराइज कर रहे हो? आप बात कर रहे हो अगर तो सबकी बात करिए ना कि सारे मुसलमान, अब उस पर पसमानदा को अलग कर देंगे, SC छाटेंगे, उसमें खान को अलग कर देंगे, फिर सैयद को अलग करोगे, फिर पठान को अलग करोगे, वही करना चाहते हो ना? यहाँ दलित पिछड़े के नाम पर आप बांटते आए हो, आप यादव तेली कुर्मी काछी कार ऐसे बांटते रहे हो समाज में जो मनुवाद की परंपरा रही है, आज वो मनुवाद को इस्लाम के अंदर क्यों लेके जा रहे हो? वहां तो कम से कम गैर बराबरी की बातें होती है, सभी लोग इस्लाम को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, तो कम से कम वहां तो बंटवारा मत करो। ये जो अपना षड्यंत्र का बीज लेकर इस्लाम इस्लाम और उनको मानने वाले मुसलमान वो लोग हैं जो संविधान को मानते हैं, और निश्चित रूप से ये उन्हीं के साथ जाएंगे जो संविधानिक रूप से इस देश की बात करेगा, भारतीयता की बात करेगा, राष्ट्रीयता की बात करेगा, सबकी हिस्सेदारी की बात करेगा, निश्चित रूप से रहेंगे। आपको नुकसान नहीं होगा यहाँ पर? नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि सच्चे मन से तो कोई आए, ये तो वही बात करते हैं ना कि मन में राम और बगल में छुरी, मिल गए राम तो मार दिया छुरी। बहुत बढ़िया, ये क्यों करते हो भाई? अरे भाई ईमानदारी से मुसलमान कह रहे हो, ये पसमानदा क्यों कह रहे हो? उनको क्यों शहीद करना चाहते हो बेचारों को? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है नितिन भाई। बिरुर भाई कुछ बोल रहे थे, बिरुर भाई कुछ बोल रहे थे आपकी बात। गौरव जी मैं स्वागत करूंगा कि हमारे सफाद भाई को लखनऊ से मेयर की टिकट मिल जाए। अच्छा अच्छा, मैं स्वागत करूंगा, 2024 को लोकसभा उनको टिकट स्वागत करूंगा। आप लोग 45 टिकट मिलेगा तो सफाद पार्टी और हमारी पार्टी बाघुमर दे रही है। लेकिन मैं प्रस्ताव जरूर रख दूंगा। अच्छा, कि अगर ये सभा में टिकट मिलता है तो आप बाघोर दे देंगे? अच्छा, प्रस्ताव रखना है तो के लिए रखो, रोज बेचारे ने के लिए इसके लिए क्षमा मांग लूंगा कि सपा भाई को दिया जाए पार्टी के लिए। भाई सपा भाई कुछ बोल रहे हैं, सपा भाई कुछ बोल रहे हैं, बोलिए सपा भाई। मैं बोल रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई भारतीय जनता पार्टी में तो किसी भी जाति का आदमी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है। अच्छा, क्या सपा में अखिलेश के अलावा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है? समाजवादी पार्टी नाम समाजवादी है लेकिन यादववादी पार्टी है, ये यादववादी पार्टी है जो ना पिता की इज्जत करते हैं, ना चाचा की इज्जत करते हैं, ना बहिष्कार कार्यकर्ताओं की इज्जत करते हैं। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी समाज को वोट बैंक की नजर से नहीं देखा। ठीक है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मुसलमान भारत का अभिन्न अंग है। हमने पहले अस्सी कहकर सत्ता में आए, उसके बाद हमने अपनी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को पहुंचाया, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे पसमानदा मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, भारतीय जनता पार्टी की सभी योजनाओं का लाभ सभी समाज के लोगों को पहुंचा। आज हम मुस्लिम के बीच के जा रहे हैं निकाय के चुनाव में, उनको टिकट दे रहे हैं। 2012 में जनता पार्टी ने एक टिकट मुसलमान को दिया था बदायूं से, उसकी जमानत जब्त हो गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी विचार करती है, चिंतन करती है, मंथन करती है कि मुसलमानों को अब टिकट कब देना है। अब हम एक भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को नगर निगम के चुनाव में टिकट देने जा रही है, उसका हम लेंगे कि हमने जो सपा बसपा और कांग्रेस ने नफरत का बीज बोया था वो कहां तक पहुंचा, खत्म हुआ या नहीं हुआ। अगर वो खत्म हुआ तो आप देखेंगे कि आने वाले 24 में भी मुस्लिम समाज को उत्तर प्रदेश में टिकट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों से परहेज करती है। दोबारा आपकी बात नहीं है। जैसे हमारे भाई कांग्रेस में बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में अभी भी चुनाव खत्म हुआ कितनी सीटें जीत कर आई? जी आप नगर निगम में मुस्लिम की बात कर रहे हो, दो सीटें
मात्र दो सीटें, 403 सीटों में मात्र दो सीटें, जनता ने आपको पूरी तरह नकार दिया। अच्छा। क्योंकि जब आजादी से लेकर अब तक जितने लोग मरे सब कांग्रेस की सरकार में मरे। अच्छा। भाई साहब जब देश का बंटवारा हुआ तो 15 लाख लोगों का, मैंने उस बार भी कहा था 15 लाख लोगों का मरने का जिम्मेदार कौन? अच्छा, कांग्रेस थी। बिल्कुल कांग्रेस थी। अच्छा, देखिए ठीक है ना, तो ये सारी चीजों को सोचना होगा। आज मुसलमान जागरूक हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ मिल रहा है, उज्ज्वला गैस के नाम पर उसको गैस सिलेंडर मिल रहा है, जितनी भी योजना है उसमें मुसलमान की बराबर की भागीदारी है। लेकिन दिक्कत तो इन लोगों को हो रही है, जो वही मिला मुसलमानों को क्या मिल रहा है, दिवाली में कितने हिंदू मंदिर मिला मुसलमान। भारतीय जनता पार्टी तब अच्छी लगती है विपक्षी, दो कार्यकाल ये समझने में बीत गए कि पसमांदा या मुस्लिम समाज को किस प्रकार से ठगा गया। उस पर ये वर्क कर रहे थे, होमवर्क कर रहे थे, अब राजनीतिक हिस्सेदारी देने के बारे में इन्होंने सोचा है, दया कर दी उनके ऊपर। तो ये जो राजनीति में इनका अहंकार है, देखिए क्योंकि आप गुलाम समझ रहे हो, बंधुआ मजदूर समझ रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान क्यों जाएगा, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट बोल तो लेने दीजिए। आप हमको बताइए, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट दे रही है सज्जन आदमी है? देखिए सज्जन आदमी है, अगर भारतीय जनता पार्टी आपको दिक्कत, आप लोग हिंसा करते नहीं है भाई, लोग हैं को बोलने नहीं देते, सफात भाई व्यक्तिगत रूप से बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन इनके पार्टी में ऐसी मजबूरियां हैं, ऐसा दबाव है, बेचारे इनके जैसे अच्छे लोग भी इस प्रकार से व्यवहार करने लगते हैं। ये इनके सत्ता का अहंकार है, ये इनके राजनीति में चुकी हैं, तो इनसे कोई सवाल कैसे पूछ ले? अच्छा। वो कांग्रेसी हो, वो गौरव भाई हो, वो कोई हो। अच्छा। तो ये प्रधानमंत्री से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके पूरी पार्टी को इसकी विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, ये वहां कोई ट्रेनिंग थोड़ी दी जाती है। अच्छा। कि कैसे जनता का, किसानों का भला करना है। अच्छा। आप देखें प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए सपने में, आप खोजिए गौरव जी, टॉर्च लेके मिलेगा कोई? नासा भी ऐसा टॉर्च नहीं बना पाया है। आपको मिल जाए एक चीज बताइए, नहीं नहीं दूसरी चीज, दूसरी चीज किसानों की आए दो भाजपा टिकट दे रही, अरे 150 स्मार्ट सिटी में से एक स्मार्ट सिटी बता दीजिए। आपके सर्वोच्च नेता, आपके सर्वोच्च नेता के द्वारा बार बार राजनीतिक सार्वजनिक मुसलमानों को टिकट दे रही, इन वायदों को कोट करने का काम किया गया। आज आप एक भी जन सरोकार के मुद्दे को, आप जन सरोकार के एक मुद्दे को, आप भारत के भविष्य को संवारने वाले किसी भी मुद्दे को आपने छूने का काम नहीं किया है। आपने केवल फूंक डालो राजनीति करो, आप केवल बांटो राजनीति करो, आप संस्थाओं का दुरुपयोग करो राजनीति करो, आप सीबीआई का इस्तेमाल करके राजनीतिक विरोधियों की आवाज को दबाने का काम करो, राजनीति करो। ये देखिए सर, समाज आपके खिलाफ खड़ा हो गया है, और वो गांधीवादी तरीके से राहुल गांधी जी के आप कांग्रेस पार्टी के साथ गलत काम करते हुए जन जन आगे बढ़े बचाओ, कांग्रेस लाओ देश, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस भाई कोई बोला जा रहा है, उत्तर प्रदेश में 2 सीटें बची, अगले चुनाव में वो भी नहीं बचेंगे, 2 सीटें 27 में वो भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, अरे सभी भाई विनोद जी बताइए, आप पसमांदा मुस्लिम के पक्ष में है, नहीं है सत्ता में है, सुनना भी सीखिए। बोले बोले सत्ता वाले सुनते सुनना सुनना हो, बोलिए आप बोलिए। ठीक है, देखिए सुनना हो, अभी भाई हमारे ने कहा, सफेद भाई ने कहा कि जाने गई, तो जाने तो नोटबंदी में भी गई, जाने तो लॉकडाउन में गई, उसका जिम्मेदार कौन? खैर दूसरी बात, बंटवारे में 15 लाख लोग मरे ऑन रिकॉर्ड, हमारा देश गंगा जमुना, उसका जिम्मेदार कौन है बंटवारे का? हमारे देश के रमजान में राम, अरे भाई कौन जिम्मेदार है, तो इतिहास घर में लिया था, सबको पता है हिंदू महासभा के लोग थे 2012 से लेकर 17 तक, जिम्मेदार कौन? समाजवादी पार्टी, तरीके इस्तेमाल किया जाता है भाई जी, सफात हुसैन क्यों सिकंडी बन रहे हो भाई?
भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज के कुछ चेहरों को शिखंडी तरीके इस्तेमाल कर रही है, इनको थोड़ी शिखंडी कह रहा हूँ, इनको नहीं कह रहा हूँ, चेहरों को शिखंडी के रूप में इस्तेमाल सबसे बड़े मुसलमानों की समाजवादी पार्टी आजम खान और बीजेपी की ठीक है वो है। अरे सड़क पे उतर आओ गौरव भाई जी, सड़क पे उतर जाओ उसके लिए। इतिहास में क्या है, समय हो गया, समय हो गया, समय हो गया, करते रहिए। जिम्मेदार मुस्लिम हो और हिंदू महासभा थी, अरे उसकी सदस्यता चली गई आजम खान की, सड़क पे उतरे आप लोग, मुसलमानों के दुश्मन है। ऐसी भाषा बोलना, उसकी सदस्यता चली गई, बिल्कुल भाई, बराबर करोगे। मुजफ्फरनगर दंगे का आरोपी है जी, ये विक्रम मुजफ्फरनगर दंगे का आरोपी है। कब की सदस्यता कब समाप्त करोगे, दो साल की सजा याफ्ता है। मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी हैं, उनके लिए सड़कों पे कब उतरेंगे आप? अरे मैं पूछ रहा हूँ इसकी सदस्यता कब समाप्त करोगे विक्रम सैनी की, आप बताइए। शिवपाल जी को धक्का किसने दिया मन से? कानून तो कहता है दो साल की सजा, बता दीजिए। सभ्यता वाली पार्टी है, बताइए। ठीक है ठीक है, अब बड़े मुसलमान ही आप बताइए, आप बड़े मुसलमान नहीं है, भाजपा मुसलमान है। एक मुसलमान की सदस्यता क्यों समाप्त कर दी गई? अरे आप बताइए, चाचा को धक्का किसने दिया? अरे कौन चाचा को धक्का दिया गया भाई, वो तो उनकी अडवाणी जी बेचारे कहाँ है, जोशी जी कहाँ है, सब है अडवाणी जी को बर्फ की सिल्ली में किसने लगा दिया जी? अरे भाई ठीक है, बताइए चाचा कहाँ है भाई, किसी भाई रामचरित मानस कह रहे जाते नीच बढ़ाई पावा, अच्छा। सो प्रथमाई हंति ताई नसावा। अरे आप बता दीजिए पसमांदा मुसलमानों के पक्ष में है कि नहीं है, बताइए। उन्हें आत्मवादी अगर भारतीय जनता पार्टी उनको बढ़ाना चाह रही है, ठीक है ठीक है। बिरेन भाई अपनी बात पूरी करिए, ताकि मैं आपकी बात लेता हूँ, बोलिए। देखिए मेरी एक राय है, सपा के साथी को और भाजपा के साथी को अपना ऊर्जा, अपना समय, अपनी जो भाषण शैली है उसका उपयोग नहीं, जनता जो बदहाल है, परेशान है, निराश है, हताश है, उससे राहत देने का काम करिए। भारतीय जनता पार्टी कर रही है विनोद जी, गौरव जी के विरोधी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम जनता के बिल्कुल बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता के मुद्दों के साथ जनता के बीच में है, और जो जनता के मुद्दों के साथ नहीं है वो सत्ता से बाहर है। सिलेंडर मुक्त देने के लिए कहा था, अच्छा कि दीपावली पे पूरी मिला क्या, होली पे मुक्त देंगे क्या दिया कुछ लोग? पूरी मिला पार्टी के पाखंडी लोगों को, ये जुमलेबाज लोग। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। नितिन भाई आपको सिलेंडर नहीं मिला यहाँ पर लगता है, सपाल भाई जी बताएंगे सिलेंडर नहीं मिला है, झूठे लोग हैं सपाल भाई, सपाल भाई भाई क्यों नहीं सिलेंडर देते भाई आप लोग, भाई लाइन में लगे नहीं होंगे ना। चले ठीक है सही है ठीक है, इनको मिल गया था चाचा को धक्का देने से फुर्सत नहीं, सिलेंडर क्या लेंगे। चले ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ताकि भाई अपनी बात पूरी चर्चा कर, ताकि भाई पूरा बात पूरी करिए, बोलिए। देखिए मुसलमानों का तो भारतीय जनता पार्टी से खून का रिश्ता है। अच्छा किसका? जहाँ जहाँ खून बहा है मुसलमानों को, भाजपा वहाँ बढ़ी है। अच्छा, और ये इनके रगों में भी मुसलमानों का खून दौड़ा है। अच्छा, इसलिए इनके मुंह से मुसलमान मुसलमान बहुत ज्यादा निकलता है। अच्छा, सुबह शाम ये मुसलमान मुसलमान क्या करते हैं, अगर इतने हिंदू भाइयों की बात कर लेते, भारतीयों की बात कर लेते, हाँ। तो देश आगे तरक्की कर जाता। अच्छा, इनको कोई लग रहा है, इनको कोई हमदर्दी नहीं मुसलमानों की, इनसे सिर्फ ये है कि इसका इस्तेमाल करके हमारी पार्टी ये इसका इस्तेमाल करके सियासत सियासत ये बताइए, इन्होंने अगर इतना हमदर्दी मुसलमानों का आरक्षण दे दे, अच्छा ये ओबीसी जो पिछड़ा पसंदीदा समाज को बात कर रहे हैं, क्या उसका आरक्षण देंगे? कितने परसेंट आरक्षण देंगे उसको सरकारी नौकरियों में? बोले जवाब दें, आरक्षण देंगे पसंदीदा समाज को सरकारी नौकरियों में, बताइए जवाब दीजिए। आर्थिक स्थिति को सुधार दे जी, पहले बातें क्या करिए। आप सभी मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल जो आज की डिबेट रही बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था, मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण, विषय बहुत महत्वपूर्ण और चर्चा भी महत्वपूर्ण होनी चाहिए थी। हालांकि चर्चा कुछ ठंडी गर्म जरूर रही, पहले गर्माहट रही और बाद में कुछ माहौल खुशनुमा जरूर रहा, क्योंकि यहाँ पर हम बात चर्चा की करते हैं, यहाँ पर बात हम करते हैं एक ऐसा रास्ता निकालने की जिससे हमारे देश में भला हो, विकास हो। खैर मुस्लिम वर्ग की देश का ही जनता है, कुछ अलग नहीं है। उस वर्ग को अगर कोई पार्टी आगे बढ़ाने के लिए उसको सोच रही है तो समर्थन भी करना चाहिए, और अगर दूसरी पार्टी उस पार्टी उस वर्ग को लिए कुछ करना चाह रही है तो वहाँ पर भी समर्थन होना चाहिए। फिलहाल अब ये वर्ग किसके साथ जाएगा, किसको समर्थन देगा, ये फिलहाल एक यक्ष प्रश्न है, क्योंकि तमाम लोग इस वर्ग पर अपनी अपनी बादशाहत बता रहे हैं कि नहीं, ये वर्ग हमारा परंपरागत रहा है और इस बार ये वोट बैंक हमारे साथ ही रहेगा। फिलहाल निकाय चुनाव में क्या होगा, 24 चुनाव में क्या होगा, वो भविष्य बताएगा। पर एक बात तो साफ है कि इस बार लड़ाई बड़ी दिलचस्प है, चाहे वर्गों को लेकर हो, चाहे राजनीति को लेकर हो, चाहे विकास को लेकर हो और चाहे हो समीकरणों की, क्योंकि अगर जो धरातल पर संघर्ष करेगा, जो मेहनत करेगा, वही यहाँ पर बेहतर परिणाम लाएगा और सत्ता उसी को मिलेगी जिसको लड़ना आता है, और जो लड़ना ही नहीं जानता उससे सत्ता न कभी हुई थी और न कभी होगी। तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे यानी गौरव श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।